हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटी किचन डाइज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी फटे हुए दूध से रसगुल्लों की रेसिपी। तो फटा हुआ दूध तो सबके घरों में होता है, कभी ना कभी फट जाता है, गर्मी भी इतनी पड़ रही है, तो आप उससे ये बना सकते हैं। और ज़्यादा कुछ इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे, बस जो आपके घर में है बस वही लगेगा, बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। और झटपट से रेसिपी बनाते हैं, एक चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। फटे हुए दूध के रसगुल्ले बनाएंगे। तो यहाँ पे दूध फट गया था और गर्मी में हो रही है तो दूध फट जाता है कभी कभी, और या फिर जल्दी हम पका नहीं पाते हैं तो बॉईल नहीं कर पाते हैं या फ्रिज में नहीं रखना भूल जाते हैं तो दूध फट जाता है। तो अब हम उसके रसगुल्ले बना लेते हैं जो हमारा दूध फट गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे दूध को, और कॉटन के कपड़े में हम इसको छान लेंगे। और इसको हमने छान लिया है और इसको हम पनीर बना लेंगे। तो इतना हम इसमें से निकालेंगे पानी, मतलब ज़्यादा नहीं निकालना है कि बिल्कुल सूख जाए, पर हाँ थोड़ा सा निकाल के इसको अब हम पनीर की तरह बने के रख देंगे। और इसका सारा पानी निकल गया है, अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे जब तक ठंडा होगा, फिर उसके बाद हम मैश करेंगे। और इस तरह से इसको हमने निकाल लिया है और इसको अब हम मैश करेंगे। इसको इस तरह से हम मैश कर लेंगे और इतना मैश करेंगे कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। पूरे 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मैश किया है और देख लीजिए कितना स्मूथ हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे से रसगुल्ले बना लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम पेड़ा लेंगे और ऐसे ऐसे करके गोल कर लेंगे और बाकी सबके भी हम रसगुल्ले बना लेते हैं। और ऐसे करके हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे और ये हमारी गोलियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ये हमारी गोलियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कटोरी शक्कर ली है और आधा कटोरी शक्कर हमने डाल दी है एक एम्प्टी वेसल में। उसका 3 गुना पानी डाल देंगे हम, जितना हमने शक्कर ली है उसका। और अब हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं और 15 मिनट के लिए हम यहाँ चाशनी बनने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 10 मिनट के लिए हमने चाशनी को कुक किया था। अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे, गोलियाँ, और आराम आराम से डालेंगे ताकि ये फूटे नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमें इसे 15 मिनट के लिए कुक करना है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब 15 मिनट तक कुक करने के बाद हमने इसको निकाल लिया है और ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ कितनी स्पॉन्जी, तो आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी और जूसी बनी है और बहुत ही अच्छी होती हैं खाने में। और आप अगर इसे थोड़ा सा चाशनी डाल के रखना चाहते हैं तो वैसे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमने सूखी सूखी सर्व करी है और थोड़ा सा हमने सिल्वर फॉइल लगा ली है इसके ऊपर, हल्की सी, ज़्यादा नहीं लगाया है चांदी का बर्फ। और बहुत ही अच्छे होते हैं रसगुल्ले हमारे, रेडी हैं बनकर और बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। और अगर आपके घर में दूध फट जाता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इसलिए दूध फेंका भी नहीं जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा। और अगर आपकी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और 15 मिनट से ज़्यादा कुक मत करिएगा वरना ये फटने लगती हैं। और देखिए बिल्कुल बिना फटे तैयार हुई हैं, एक भी नहीं फटी है, तो कितने अच्छे से रेडी हुई हैं। और ऐसी ट्रिक से बनाइएगा, आपकी भी ऐसी बनकर रेडी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।